फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल फोटो के बारे में, जो कि गूगल फोटो एक ऐसा ऐप है जो कि हर किसी के फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट आता है रहता है। यानी अगर आप कोई न्यू फ़ोन परचेज़ करते हैं तो उसमें ऑलरेडी आपको डाउनलोड मिलेगा, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप इसको इस्तेमाल करके किसी भी फ्रेंड का गैलरी के फ़ोटो अपने फ़ोन में देख पाएंगे। और भी इसमें बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर दिया गया है जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, दो वीडियो, जिसमें मैं आप लोग बताया हूँ कि कैसे आप किसी भी फ्रेंड का गैलरी का फ़ोटो अपने फ़ोन में देख पाएंगे। तो वो चाहे तो आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो को और सीख सकते हैं। और चलिए जानते हैं इसमें और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो कैसे इस्तेमाल करना है और क्या क्या दिया गया है गूगल फोटो में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो का लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले। और सबसे पहले इसको आपको अपडेट कर लेना है गूगल फोटो को, इसलिए कि जो पुराना वर्जन होगा तो उसका आइकन कुछ और है। अभी का आइकन देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का, जब आप इसको अपडेट करेंगे प्ले स्टोर में जाके तो इस तरह से इसका आइकन हो जाएगा। उसके बाद इसको ओपन कर लेंगे और आपको अपडेट करना है। उसके बाद अपडेट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ फ़ोटो और सर्च, यहाँ लाइब्रेरी। तो फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके फ़ोन में फ़ोटो वीडियो होगा सारे मिक्स शो होगा, आप स्लाइड करके देख पाएंगे एक साथ में। उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्च बार का ऑप्शन आ जाएगा और कोई भी फ़ोटो को आप सर्च कर सकते हैं लोकेशन के हिसाब से। यानी अगर आप किसी जगह पर कोई फ़ोटो को क्लिक किए हैं और उस फ़ोटो को आप देखना चाहते हैं तो उस लोकेशन का जगह का नाम डालकर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सर्च करके एग्जाम्पल के तौर पर एक। तो सर्च बार में जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिवान, सिवान लिख कर सर्च करता हूँ तो देख सकते हैं जो भी सिवान में फ़ोटो क्लिक किया गया होगा सारे यहाँ शो हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी शॉप, तो ये सिवान का है। देख सकते हैं यहाँ पर नेम भी दिया गया है, देख सकते हैं कुतुब मार्केट हॉस्पिटल रोड सिवान। तो इस सिवान में क्लिक किया गया है और सिवान का जितने भी फ़ोटो है आ जाएगा। तो आप सर्च कर सकते हैं नेम से, लोकेशन का नेम डालकर। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं लाइब्रेरी का ऑप्शन दिख रहा होगा तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं चार ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं फेवरेट और देख सकते हैं यूटिलाइज और आर्किव और बीन। तो फेवरेट पर क्लिक करेंगे जो भी फेवरेट किए होंगे फ़ोटो यहाँ से होगा। आर्किव पर क्लिक करेंगे तो जो भी हाइड फ़ोटो किए होंगे तो गूगल फोटो से तो इसमें हाइड में दिखाई देगा। और बीन पर क्लिक करेंगे तो जितने भी फ़ोटो अपने गैलरी से आप डिलीट किए होंगे सारे बीन में दिखाई देगा। और जो भी फ़ोटो आप डिलीट कर देंगे वो 60 दिन तक आपका ये बीन में रहता है और 60 दिन के अंदर में उस फ़ोटो को फिर से आप रिकवर भी कर सकते हैं चाहे तो, और 60 दिन के बाद आप ऑटोमेटिक आपका जो भी है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं, यूटिलाइज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं पार्टनर अकाउंट, जो मैं आपको बताया कि कैसे किसी भी फ्रेंड का गैलरी का फ़ोटो अपने फ़ोन में देख सकते हैं तो इसमें पार्टनर अकाउंट में ऐड करके मेल आईडी और देख पाएंगे। तो उस पर मैं ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखा हूँ जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो देख सकते हैं। और कैसे किसी भी फ़ोटो को डिलीट किया गया फ़ोटो को रिकवर करते हैं ये भी उस वीडियो में मैं आप लोग बताया हूँ, तो चाहे तो देख सकते हैं। और उसके बाद चलते हैं इस पर क्लिक करेंगे लाइब्रेरी में तो जितने भी फाइल होगा आपके फ़ोन में सारे यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ पर शो होगा जितने भी आपका सोशल मीडिया का फ़ोटो होगा, अलग अलग फाइल बन जाएगा, देख सकते हैं बना होगा। यहाँ से किसी भी फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान के चलिए व्हाट्सअप पर क्लिक करता हूँ। जैसे व्हाट्सअप पर क्लिक करेंगे तो जितने भी व्हाट्सअप पर लोग फ़ोटो आपके व्हाट्सअप पर सेंड किए होंगे वो डाउनलोड इसमें मिलेगा। और कोई भी फ्रेंड कोई भी फ़ोटो सेंड किया होगा उस फ़ोटो को आप पता लगाना चाहते हैं क्या है, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं आसानी से गूगल फोटो से। जैसे एग्जांपल के तौर पर इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं परफ्यूम है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे में देख सकते हैं एक छोटा सा आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस फ़ोटो के बारे में जो भी डिटेल होगा आपको जानकारी मिल जाएगा। जैसे इस पर देख सकते हैं क्लिक किए तो देख सकते हैं ये फोग का है, ये परफ्यूम है और इसका दाम है 470 रुपया। और इसको परचेज़ करना चाहे तो इसको परचेज़ भी कर सकते हैं और भी इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं, 90 मिली का है और इसमें देख सकते हैं बहुत सारे चीज़ें इसके बारे में डिटेल दिया गया है। तो देख सकते हैं इसको और चाहे तो ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद भी सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो भी वेबसाइट होगा उस पर ये लेके जाएगा और वहाँ से आप डिटेल जानकर परचेज़ भी कर पाएंगे। तो देख सकते हैं जैसे इस पर क्लिक किया तो देख सकते हैं यह ओपन हो चुका है और चाहे तो इसको परचेज़ भी कर सकते हैं, इसका ऑनलाइन वेबसाइट है।
तो इस तरह से आप इस पर क्लिक करके आप इसके वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। और कोई भी फ़ोटो आपके फ़ोन में है उसके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके गूगल लेंस के द्वारा आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या है, और कोई प्रोडक्ट है तो उसको आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज भी कर सकते हैं। तो यानी अगर आप कोई भी फ्रेंड है कोई भी चीज़ सेंड करता है उसका डिटेल जानना चाहते हैं, उसको परचेज करना चाहते हैं, तो उससे बिना पूछे आप परचेज भी कर सकते हैं, उसका प्राइस भी निकाल सकते हैं, कितना का है क्या है सारे चीज़ें जान सकते हैं। तो कोई भी फ़ोटो है, जैसे मैं और भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे इस फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं एक मेरे पास ये बजाज का तेल है, इस पर लेंस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं इसका भी प्राइस दिखा दिया यहाँ पर, और भी इसके बारे में जानकारी देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, स्क्रॉल ऑफ करके देख पाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, ये भी लेके जाएगा जो भी इसका ऑनलाइन वेबसाइट होगा उस पर आपको लेके जाएगा। तो इस तरह से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, इसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए आप जानकारी भी ले सकते हैं। कोई भी चीज़ है आपके फ़ोन में, कोई प्रोडक्ट हो फ़ोन हो या कोई भी चीज़ है उसके बारे में आप जान सकते हैं क्लिक करके, तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो कोई भी फ़ोटो आपके फ़ोन में है यानी इंस्टाग्राम पर आया है या व्हाट्सअप पे, सारा यहाँ शो हो जाएगा देख सकते हो अलग अलग फाइल में। आप किसी भी फ़ोटो के बारे में डिटेल निकाल सकते हैं या आप कोई भी फ़ोटो को क्लिक किए हैं और उसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इस पर क्लिक करके। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो को पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।